हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 12 हिरोन्स फॉर्मूले के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है, द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD आर 51 इंटू 25 सेंटीमीटर। कोई रेक्टेंगल हमारा ABCD जिसकी लेंथ है 51 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 25 सेंटीमीटर। अ ट्रेपेजियम PQCD विद इट्स पैरेलल साइड। PQCD हमारा एक ट्रेपेजियम बनाया जो कि हमने रेक्टेंगल की हेल्प से ही बनाया है, ठीक है। फिर आगे बोला गया है विद पैरेलल साइड। देखो, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है। अब मैंने यहाँ पे जो PQ लाइन बना दी है, जिसकी वजह से अब हम PD और QC इनको पैरेलल तो बोल सकते हैं, बट इक्वल नहीं बोल सकते, क्योंकि ये देखो साइड सी बात है, ट्रेपेजियम की कंडीशन यही होती है कि वन पेयर ऑफ साइड आर पैरेलल, देन इट कॉल टू बी अ ट्रेपेजियम। तो PD और QC हमारी पैरेलल होंगी। पैरेलल का मतलब कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी सिवाय इन्फिनिटी पॉइंट के। तो ये जो दोनों पैरेलल साइड है, इनकी साइड का रेशियो में दे दिया QC और PD। जो QC है हमारी वो 9 है, रेशियो उनका एक्चुअल वैल्यू नहीं है, और 8 जो है वो हमारी PD होगी। तो देखो, फिर आगे बोला गया है रेक्टेंगल शो एज द फिगर इफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PQCD का जो एरिया होगा वो 5/6 पार्ट होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी पूरे रेक्टेंगल का 5/6 पार्ट होगा इसका एरिया। फाइंड द लेंथ ऑफ द QC एंड PD, इनकी बताओ लेंथ कितनी होगी। देखो, हमें रेशो गिवन है, जब कभी भी आपको रेशो दे दे आप उसको एक्चुअल वैल्यू मान लो कि हमारी जो QC है, बट ये रेशो है एक्चुअल वैल्यू नहीं है, तो कोई ना कोई ऐसा कॉमन मल्टीपल नंबर रहा होगा जिसका मैंने इसमें डिवाइड करके छोटा किया होगा। तो इसको मैंने मान लिया 9x, और जो हमारे PD है इसे मान लिया हमने 8x, ठीक है। कॉमन मल्टीपल मान लिया वो x नंबर था जो काटने के बाद हमारा 9:8 रेशो इसका शो करता है, ठीक। तो इन्फॉर्मेशन जो जो हमारे पास गिवन थे हम यहाँ मेंशन कर देंगे। देखेंगे इन रेक्टेंगल ABCD जिसके अंदर हमें गिवन है हमारी BC और AD दोनों है 51 सेंटीमीटर, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है। AB और CD ये दोनों कितनी होगी 25 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, ये रेक्टेंगल की डेफिनेशन होती है, ठीक। और CD आगे हमारा, और हमें जो ट्रेपेजियम दे रखा है, ट्रेपेजियम PQCD है, इसमें मैंने मान लिया लेट जो हमारी QC साइड है वो रेशो दे रखी थी तो 9x सेंटीमीटर है, और हमारी जो PD है उसकी भी रेशो गिवन थी तो उसको मैंने मान लिया 8x सेंटीमीटर। हाइट हमारी कितनी होगी 25 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है, ट्रेपेजियम का 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट, ये इसका फॉर्मूला होता है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, इसका होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो ट्रेपेजियम है PQCD इसका जो एरिया है वो 5/6 पार्ट इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के, यानी कि ABCD के, ठीक। तो यहाँ पर मैं PQCD हमारा ट्रेपेजियम इसका फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 पैरेलल साइड हमारी कौन है PD और QC, PD प्लस QC इनटू में इसकी हाइट, हाइट हमारी कौन होगी CD, क्योंकि हाइट हमेशा परपेंडिकुलर पे होती है 5/6। लेंथ हमारी कितनी है BC एंड हाइट हमारी कितनी है CD, ठीक। यह मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी 1/2 पैरेलल साइड हमारी कितनी है 8x, पहली 8x है, दूसरी हमारी 9x है, इनटू में CD हमारी कौन है इसकी हाइट 25, 5/6, BC हमारी 51 है, CD हमारी 25 है। देखो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, सीधा सीधा 25 मेरा कैंसिल हो गया, होने के बाद दोनों को ऐड किया 71x आया 2, यहाँ पर है देखो 3 2 6, 3 में इसका डिवाइड दिया 3 1 3, 3 7 21, 5 × 17, क्लियर। x को यहीं पर रहने दो, 5 × 17 जो नंबर नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर है वो नंबर नीचे आ जाएगा, इससे कैंसिल हुआ 5 2 10, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट, इसके नीचे भी 2 बचा हुआ है, ठीक है। तो इसके नीचे 2 है, तो इस 2 को हमें एज इट इज़ यहाँ ले लेंगे, 2 में इसका डिवाइड दिया तो x की वैल्यू आ गई हमारी 5, ठीक है। ध्यान से दोबारा देख लें, यहाँ पे मेरा नीचे 2 था, 2 बचा हुआ है, नीचे है ऊपर चला गया, ऊपर है नीचे आ गया, 17 से 17 कैंसिल हुआ, 5 2 10, 2 था, 2 का डिवाइड दिया कितना आ गया 5। अब हमें इसकी डायमेंशन बतानी थी, PD कितनी होगी, PD हमारी थी 8x, x की जगह हमने रख दिया 5, यानी कि 40 सेंटीमीटर हमारी होगी PD। QC हमारी कितनी है 9x, x की जगह रख दिया 5, 9 5 45 सेंटीमीटर। तो हमारी एक डायमेंशन इसकी PD होगी,
PD होगी 8x और ये जो QC थी वो हमारी 9x थी, तो 8x का मतलब है 40 सेंटीमीटर और 9x का मतलब 45 सेंटीमीटर। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।